स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं जो रिव्यू दूंगी वो तो बिल्कुल करेक्ट ही दूंगी, जो है वो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। और कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्र, होपफुली आप अच्छे ही होंगे। और मेरी तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टे एट योर होम, घर में रहिए और सेफ रहिए। अगर बहुत इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क लगा के ही जाइए। और मैं सबके लिए दुआ करूँगी कि सब सही रहे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत प्यारे प्यारे से सूट्स, टॉप और ईयरिंग। एक्चुअली छोटू सा हॉल होने वाला है जो कि मैंने कर लिया है मीशो से शॉपिंग। और आप बताइएगा आपको क्या पसंद आया, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ड्रेस के साथ, जो कि है ये बहुत ही प्यारा सा सूट कुर्ता, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता। लुक एट दिस, कितना मतलब ग्लेज देखिए आप, कितना प्यारा है। इसमें बॉटल ग्रीन कलर का ये कुर्ता है और इसमें पूरा गोल्डन कलर से यहाँ पे डॉटेड हो रखा है, जो कि फॉयल प्रिंट है। और सामने जो राउंड नेक है उसमें वी कट है, और पूरे में ऐसा देखिए सीक्वेंस वर्क हो रखा है ऑरेंज एंड रेड के कॉम्बिनेशन में। अगर आपको याद हो तो इससे पहले मैंने अमेज़न या फ्लिपकार्ट का एक हॉल किया था जिसमें मैंने सेम कुर्ता डिस्प्ले किया था, लेकिन वो ब्लैक कलर में था और वो वहाँ से था, और ये ब्रांड दूसरा है और ग्रीन कलर में है। इसका लुक देखते ही बन रहा है फ्रेंड्स, ग्रीन कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है रेड के कॉम्बिनेशन में। इसकी स्लीव जो है एल्बो लेंथ की है और स्लीव में भी यहाँ पे वो वर्क हो रखा है। और स्ट्रेट कुर्ता है, स्ट्रेट कुर्ता है और साइड कट में जो है ना रेड कलर का पाइपिंग हो रखा है। और नीचे जो इसका दामन है, दामन में भी पूरा यहाँ पे ये देखिए वर्क हो रखा है, वही सीक्वेंस वर्क। मतलब जो कुर्ता है अपने में ही बहुत हैवी है, इसको और हैवियर आप बना सकते हो। इसके साथ थोड़ा सा वर्क वाला आप शरारा पहनो या प्लाजो पहनो, और अगर आपने दुपट्टा बहुत हैवी सा ले लिया, मतलब मीडियम ले लिया, तो भी बहुत अच्छा लगने लगेगा ये। एक्चुअली मैंने तो एक प्लेन शिफॉन का दुपट्टा इसके साथ लिया था कंट्रास्ट में ऑरेंज कलर का, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो अगर आपको ये कुर्ता पसंद आए तो। मैं हर प्रोडक्ट का कोड एंड प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की साइड, जो कि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, वो है ये पीच कलर की ड्रेस। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो ये कुर्ता था वो डबल एक्सल साइज में था, एंड ये वाला जो कुर्ता है ये भी डबल एक्सल साइज में, 44 साइज में है। एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेट कुर्ती या ऐसे पैंट वाली जो कुर्तीज होती है, मैं थोड़ा एक साइज़ अप मंगवाना ही बेहतर समझती हूँ मीशो में, क्योंकि साइज़ का थोड़ा इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला कुर्ता देखिए हाई लो पैटर्न में है, लेकिन ये कुर्ते का पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिकॉज ये ना शॉर्ट है, नी लेंथ का कुर्ता है। और आप इसको डिज़ाइन ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ट्राई ऑन पार्ट जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं कैसा वाला कुर्ता बता रही हूँ। हाँ, तो इसमें फ्रंट में पूरा ऐसे हो रखी है एम्ब्रॉयडरी, जो कि मशीन वर्क है, और सामने इसका राउंड नेक है, और ये जो बटन आप देख रहे हो ना, सारे के सारे बटन ओपन होते हैं। ठीक है, सारे बटन ओपन होते हैं नीचे तक, फ्रंट से हाई है, पीछे से थोड़ा लो है। और इसके जो बैक साइड है, बैक साइड भी बहुत खूबसूरत है, बिकॉज बैक साइड में भी पूरा हो रखा है एम्ब्रॉयडरी वर्क। लुक एट दिस, एंड तक एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है। सॉरी, थोड़ा सा ये क्रीज ख़राब हो गई इसकी। इसकी स्लीव देखिए, स्लीव जो है एल्बो लेंथ की, उसके बाद यहाँ पे बेल स्लीव स्टार्ट हो जाती है, तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत ये कुर्ता है। इसको एज ए आप टॉप भी यूज़ कर सकते हो, जींस के ऊपर भी पहन सकते हो, मतलब उस तरीके का कुर्ता है ये। उसके साथ मिल रहा है मेरे को ये पैंट, एक्चुअली ये पैंट ही है क्योंकि नैरो बॉटम का है, और इसकी जो इलास्टिक है बहुत अच्छी है, देखिए बहुत अच्छी इलास्टिक। और इसमें एक मेरे को पॉकेट मिल जा रहा है, लेकिन इसमें पॉकेट आप हाथ डाल नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है, अच्छा है। और रेयॉन का कपड़ा है, इससे पहले वाला जो कुर्ता था वो भी रेयॉन का मटेरियल था, बहुत सॉफ्ट, और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस कुर्ते की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ते की तरफ। नेक्स्ट कुर्ता बहुत ही खूबसूरत है, जो कि है ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता। लुक एट दिस, थोड़ा सा ये पार्टी वेयर लुक दे रहा है, बिकॉज इसमें ना नेवी ब्लू पे गोल्डन कलर का पूरा
जो है प्रिंट हो रखा है गोल्डन वाइट कलर का, लुक एट दिस। गले पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की पाइपिंग हो रखी है, और जो जो प्रिंट है, प्रिंट इसके स्लीव पर भी हो रखा है यहाँ पे, तो अपने में बहुत ही ग्रेस दे रहा है। ये जो है ये गाउन पैटर्न का है, मतलब अनारकली पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो वाला कुर्ता है। तो ये मैंने अपने साइज़ में मंगवाया था, लेकिन ये डबल एक्सेल में रिसीव हुआ है मेरे को, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी आई है इसकी। एल्बो लेंथ की स्लीव है, और आप इसको घेर देखिए, घेर बहुत ही प्यारा है, मतलब प्यारा मीन्स बहुत ही ज़्यादा घेर है, मैं इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा घेर है इसमें। और नीचे जो घेर है, घेर में भी एक चौड़ा सा बॉर्डर ऐसा आ रहा है गोल्डन एंड वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ जो मुझे मिला है वो मिला है ये ब्लू कलर का ही दुपट्टा, और दुपट्टे के चारों तरफ जो है ऐसे करके इस जो प्रिंट हो रखा था उसी प्रिंट का पूरा लेस लगा हुआ है। लुक एट दिस, बहुत अच्छा ग्रेस आ रहा है ये, थोड़ा छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगने वाला है ये कुर्ता, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप, जो कि मेरे को पसंद आ गया था तो मैंने लिया, एंड अच्छा भी निकला। ये क्रेप मटेरियल है फ्रेंड्स, ये कॉटन या रेयन नहीं है, क्रेप है। लेकिन क्रेप का फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो प्रेस नहीं करना पड़ता है, और सेकंड थिंग इज दिस, इसका कभी कलर नहीं जाएगा, कितने भी बार आप वॉश कर लो, मशीन वॉश कर लो, कलर नहीं जाता है, ऐसे कैसे रहता है। ये लाइट पिंक कलर में फ्लावर प्रिंट है, समर की वाइब्स आ जाए वैसा वाला प्रिंट है ये। और स्लीव इसकी देखिए, ऐसे करके बेल स्लीव है, फ्रंट ऐसा है, उसके बाद यहाँ से कमर के मतलब बोस के नीचे से इसमें ऐसे प्लीट्स हैं, जिसकी मतलब ये जो है पेपलम टॉप आप बोल सकते हो उसको, या ट्यूनिक भी बोल सकते हो, उस टाइप का पैटर्न है। बैक साइड में प्लेन है, कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन ये टॉप है बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये पैटर्न। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया, ये जो है इयररिंग का कॉम्बो मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैंने ये इयररिंग का कॉम्बो ले लिया, जो कि है उसमें दो पैटर्न है, एक तो सिल्वर में है ये मिरर वाला, और सेकंड है ये शेल वाला जो होता है ओवरसाइज, वो वाला है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लाइक आई लव दिस बोहो वाइब्स, तो वो बोहो वाला लुक इससे क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो अपना है ही, सिल्वर तो एवर ग्रीन है, सिल्वर मुझे बहुत पसंद है, तो ब्लैक मेटल वाला चीज़ ये बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने ये दोनों एक साथ कॉम्बो में था तो मैंने ले लिया। और आपको मैं प्राइस स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी क्या है इसका। एक और प्रोडक्ट मंगवाया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिफेक्टिव आया, तो मैंने वापस करवा दिया। एंड इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये टॉप, ट्राई ऑन नहीं कर पाई हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे को एक साइज स्मॉलर आ गया था, इस वजह से मैंने ट्राई ऑन नहीं किया इसका। ये देखिए नेवी ब्लू कलर में है, और टर्टल नेक होता ना वैसा थोड़ा सा ऊपर से है, उसका जो स्लीव है ऐसे नेट में पफ स्लीव है, ठीक है। और पूरा वैसे ये मोटे वाले जो गंजी कपड़ा होता है ना, हौजरी का कपड़ा, उस वाले कपड़े का है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ कपड़ा है। लाइक मैं इसलिए इसको शो कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे को एक साइज़ छोटा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी साइज़ ये है, तो अगर आप इस टाइप के टॉप में इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो बेफिक्र बेझिझक, क्योंकि जो इसका मटेरियल है, जो इसकी फिनिशिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मैं जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, एक साइज़ छोटा है सो मैं इसको रिटर्न करूँगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। लुक एट दिस प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसका ऑल्थो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, मैं इसका ट्राई ऑन नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये है, लुक एट, अनारकली है, स्काई ब्लू कलर की अनारकली है, और इसके साथ ये पैंट है, ठीक है, नैरो बॉटम वाली। बहुत ही मन से मैंने ये ड्रेस मंगवाई थी, और इसके साथ मैंने इवन सोच भी लिया था कि मुझे क्या पेयर करना है। मैं ड्रेस आपको दिखा देती हूँ, लुक एट दिस, अंगरखा पैटर्न है, फ्रिल वाला यहाँ पे गले पे पट्टी दिया हुआ है,
एंड एल्बो स्लीव है, और यहाँ पे साइड में थ्रेड दिया है, दो ऐसा करके चार थ्रेड दिया है इसको ट्राई करने के लिए। आप समझ सकते हो कितना खूबसूरत लगता अगर मैं इसको पहनती। और यहाँ के नीचे बहुत घेर है, बहुत ही ज़्यादा घेर है, ओके बहुत घेर है, और घेर में यहाँ पे देखिए सिल्वर वो लगा हुआ है, गोटा पट्टी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैंने अपने हिसाब से इसको डबल एक्सेल में मंगवाया था, ये सोच के कि इसके साथ पैंट जो है, पैंट नैरो बॉटम की है तो मतलब स्ट्रेट है तो एक साइज अप मंगवाना चाहिए, छोटा ना हो जाए ताकि। लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं क्या रिव्यू दूँ अब इसमें, जब डबल एक्सेल प्रिंट है लेकिन आपको साइज़ जो है वो लार्ज रिसीव हो, सो यू कांट डू एनीथिंग ना। लुक एट दिस, इस पैंट की आप वो देखिए, लुक एट दिस, यू कैन सी ना लार्ज है ये। तो कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं, उसको आप रिटर्न कर सकते हो, ये अच्छी पॉलिसी है कि 7 डेज़ के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, तो मैं भी करूँगी। और बिना पहने क्या रिव्यू दूँ, लेकिन जो देखने से मुझे पता चला वो ये है कि कपड़ा रेयॉन का है, बहुत ही अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है ड्रेस की, और मुझे तो अच्छा लगा टोटल ऑल ओवर। लेकिन साइज़ का जो इशू है, आई डोंट नो, शायद इन्होंने टैग गलत लगा दिया है, आई डोंट नो, बट ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे को। बहुत ख़राब लगा कि मैं दो ड्रेस ट्राई भी नहीं कर पाई कि साइज़ इशू की वजह से, जो कि मीशो में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं जो रिव्यू दूंगी वो तो बिल्कुल करेक्ट ही दूंगी, जो है वो है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटू सा हॉल? अगर आपको अच्छा लगा, एक भी प्रोडक्ट अच्छा लग गया है, तो फटाक से कर दीजिएगा लाइक, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मन से साफ रहिए, दिमाग से आप तंदुरुस्त रहिए, मतलब पॉजिटिव सोचिए और अपना ख्याल रखिए। और जो नए हैं ना वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।